दोस्तों, ये स्कूटर में हम माइलेज सेट करके हम आपको बताएंगे, और अच्छा तरह से दोस्तों हम बताएंगे ताकि आपको अच्छा तरह से समझ आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों, माइलेज कैसे सेट किया जाता है यही हम इस वीडियो में फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपके माइलेज नहीं दे रहा है, बहुत तेल पी रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ एक स्क्रूप देखिएगा, यहाँ से हम रेस को यानी कि RPM को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके साइड ये एक स्क्रूप आप देखिएगा, ये है दोस्तों माइलेज सेट करने का स्क्रूप, ठीक है। हम दोस्तों एयर स्क्रूप हम बोल सकते हैं, लेकिन यहीं से हम माइलेज सेट कर सकते हैं एकदम इजी तरीका से दोस्तों। ये जो स्कूटर है ये हुंडा कंपनी के डीओ स्कूटर है, लेकिन दोस्तों हुंडा कंपनी के आप डीओ स्कूटर में या एक्टिवा स्कूटर में, हुंडा कंपनी के जितना भी स्कूटर है ना, इसी तरह से आप माइलेज सेट करिएगा दोस्तों, हम दोस्तों अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, हम आपको टाइम नहीं ख़राब करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, माइलेज सेट करने से पहले ना, ये इसका जो इंजन होता है ना, ये इंजन हीट होना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो इंजन है ना, अभी ठंडा है, तो चलिए पहले हम इंजन को हीट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ठंडा में ये माइलेज सेट नहीं हो पाएगा दोस्तों, इंजन को गरम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले इंजन को हम गरम कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो इंजन है वो हीट हो चुका है दोस्तों, यानी कि गरम हो चुका है। देखिए ये पूरा यानी कि दिख रहा है, यानी कि ये गरम हो चुका है दोस्तों ये इंजन, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, ये अभी RPM मोड पे है, ठीक है, यानी कि स्लो में ये यानी कि खड़ी है ये स्कूटर। तो दोस्तों यहाँ से हम RPM बढ़ा लेते हैं, हल्का सा ये स्कूटर हम रेस कर लेते हैं दोस्तों, ताकि यहाँ से माइलेज सेट करने में यानी कि यह स्कूटर बंद ना हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से एक यानी कि देख सकते हैं पेचकस होना चाहिए छोटा वाला, ठीक है, कि यहाँ इजीली से दोस्तों इसमें यानी कि घुस पाए, ठीक है। तो चलिए हम हल्का सा रेस बढ़ा लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, इस तरह से हम रेस बढ़ा रहे, देखिए दोस्तों रेस बढ़ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से हम माइलेज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, हम इसको खोलेंगे, ठीक है, खोलेंगे, यहाँ फोकस करिएगा, ठीक है। तो खोलेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों रेस बढ़ रहा है ये, ठीक है, फोकस करिएगा, रेस बढ़ गया दोस्तों, देखिए दोस्तों रेस बढ़ रहा है, अब देखिए दोस्तों कम हो गया, यहाँ देखिए ये कम हो गया, ठीक है। तो इस मोड़ पे नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है, कम हो गया है तो यानी कि इस मोड़ पे नहीं छोड़ना है दोस्तों, जहाँ रेस ले रहा है, जहाँ रेस बढ़ रहा है उस मोड़ पे छोड़ देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये कम है, चलिए फिर हम कसेंगे, देखिए दोस्तों बढ़ गया रेस, देखिए दोस्तों रेस एकदम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहीं पर छोड़ देंगे दोस्तों, रेस बढ़ गया है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, रेस को फिर कम कर लेना है, यानी कि RPM को कम कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम कम करेंगे RPM, दोस्तों देख सकते हैं RPM यानी कि आइडल मोड पे रख देना है, ना ज़्यादा ना कम, देखिए दोस्तों इतना RPM ठीक है, यानी कि ये लगभग में 12-13 से RPM पे ये मेरे ख्याल में ये है, ठीक है। तो इतना RPM पे रख देना है दोस्तों, और ये स्कूटर के माइलेज सेट हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि इस तरीका से जब आप स्कूटर में भी करेंगे तो 10 किलोमीटर का माइलेज बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर आपके स्कूटर 30 माइलेज दे रहा है तो 40 हो जाएगा, अगर 40 दे रहा है तो 50 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस तरह से आप ट्यूमिंग कर देंगे, ये कार्बोरेटर को ट्यूमिंग बोला जाता है दोस्तों, इस तरह से जब आप ट्यूमिंग करेंगे ना तो यानी कि बेहतर माइलेज देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप हुंडा कंपनी के या हीरो कंपनी के जो भी स्कूटर में इसी तरीके से दोस्तों माइलेज सेट किया जाता है दोस्तों, ये एकदम बेहतर तरीका है, यानी कि ये जेन्यून तरीका है दोस्तों, ठीक है। कंपनी भी इसी तरीका से बोलता है माइलेज सेट करने का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जब आप करेंगे और यहाँ ये स्क्रू खोलने पर अगर रेस नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, तो उस केस में ना ये कार्बोरेटर क्लीन करके करिएगा दोस्तों, 100% ट्यूमिंग सेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बदले दोस्तों आप फिल्टर भी चेक कर सकते हैं, प्लग वगैरह भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, और ये चौक है ना दोस्तों, ये चौक भी चेक करिएगा दोस्तों,
कभी कभी क्या होता है कि ये स्कूटर हल्का चौक में ही रहता है और उस कारण की वजह से दोस्तों माइलेज सेट नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीका से आप सेट करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।